एक मित्र ने लिखा है, प्रणाम। कई रिश्ते हमारी जानी सुनी दुनिया से अलग, सतह पर कुछ खास न होते हुए भी हमारे जीवन में एक अहम भूमिका निभाते हैं, कृपया कुछ कहें। रिश्तों को, संबंधों को हमें व्यापक पृष्ठभूमि में ही देखना चाहिए। ऐसा क्यों है कि हम जानी पहचानी सुनी सुनाई किसी धारणा में बंधे हुए रिश्तों की एक परंपरा को देखना चाहते हैं? समस्या हमारी क्या होती है कि हम हर रिश्ते को कोई नाम देना चाहते हैं, उसको कोई टैग देना चाहते हैं, उससे समस्या होती है। जैसा कि लिखा है, कई रिश्ते हमारी जानी सुनी दुनिया से अलग होते हैं लेकिन हमारी ज़िंदगी में अहम भूमिका निभाते हैं। होती है अहम भूमिका, बहुत सारे रिश्ते हों, बहुत सारी मित्रताएं हों, बहुत सारे ढंग ढांचे रिश्तों के हो सकते हैं, संबंधों के, तो उनको वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। नाम देना किसी रिश्ते को, किसी खास ढांचे में बांधना, वो एक दुर्घटना है, उससे सावधान रहना चाहिए। रिश्ते हमारे गहरे अंतरतम से जुड़ने की एक प्रक्रिया है और हर व्यक्ति का जो अंतरतम है वो बहुत ही व्यापक है, विराट है, जिसको किसी सीमा और परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता। तो इसलिए जब हम संबंधित होते हैं किसी से, तो ये देखें कि जीवन ही जीवन से संबंधित हो रहा है। ये जीवन है जिसका एक ढंग, एक अभिव्यक्ति जीवन के दूसरे ढंग, दूसरी अभिव्यक्ति से संबंधित हो रही है। और जब हम ऐसे देखेंगे तो उसी जीवन की जो व्यापकता है, विराटता है, रहस्यमयता है, वो हमको घेरेगी, जीवन में आमूलचूल बदलाव लाएगी। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि हमारी ज़िंदगी से कोई गुजरा, बहुत ही कम देर के लिए हमारे साथ हुआ, लेकिन हमारी ज़िंदगी पे कोई बड़ी छाप छोड़ जाता है। बदलाव तो ऐसे ही आते हैं, कभी कभी कोई अजनबी व्यक्ति भी हमसे इस तरह से मिलता है कि हमारे जीवन में कोई बदलाहट घट जाती है। और कभी वो जाने पहचाने सुने सुनाए रिश्ते भी, संबंध भी, जो हमारे साथ हमेशा होते हैं और जीवन चल रहा होता है सुविधाओं सहूलियतों के साथ, लेकिन बदलाव या कोई एक दिशा का परिवर्तित हो जाना है, किसी बड़े रूपांतरण का घट जाना वहाँ पर नहीं घटता। घट सकता है, नहीं भी घट सकता है। ये बात जो है प्रश्न में, संबंधों के एक विराट जगत के स्वीकार की प्रक्रिया है, वही किसी रिश्ते या संबंध की वास्तविकता और सच्चाई भी है। हमको करना क्या है? हमको अपने ऊपर पड़ने वाले प्रभाव और परिवर्तन को देखना है, उसके साथ चलना है। और जीवन का कोई भी रूप हो, कोई भी अभिव्यक्ति हो, उसका सम्मान करना है। मनुष्यों से मनुष्यों के रिश्ते वही नहीं बदलते हमको, पशु पक्षियों से, प्रकृति से, जड़ चेतन किसी भी चीज से रिश्ता हमको बदलने की संभावना रखता है। बस हम कितने जागरूक हैं, हम कितने सजग और सचेतन हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो एक तो व्यापकता लाएं और दूसरा अपनी सजगता, सचेतनता और जीवंतता पर काम करें, फिर वहाँ से रिश्तों की एक नई धारा शुरू होगी, जिसका नाम हो भी सकता है और जिसका नाम नहीं भी हो सकता है।